हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास की रिटेल का टॉपिक कर रहे हैं स्किल। स्किल को बोलते हैं बेटा कौशल। स्किल या कौशल क्या होता है बेटा? किसी भी काम को, किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से करना, पूरी एनर्जी के साथ करना और एक उद्देश्य को लेके करना और उसे सही समय पर समाप्त करना। कि एक निश्चित समय में अगर हम किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं स्किल, कौशल। कि हमारे पास वो काम करने की स्किल है, कौशल है। तो कोई भी काम करने के लिए बेटा स्किल का होना जरूरी है। स्किल, कौशल, हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं, अलग अलग तरह के कौशल होते हैं। तो हमारे अंदर जो व्यक्तियों के अंदर जो स्किल है, कौशल है, वो दो प्रकार का होता है, जनरल स्किल एंड डोमेन स्पेसिफिक स्किल। जनरल स्किल यानी कि सामान्य कौशल। सामान्य कौशल क्या होता है? जो जैसे कि इकट्ठे मिलजुल कर काम करना या पंक्चुअल यानी कि सही समय पर काम करना, एक साथ मिलके काम करना और अच्छे से सही तरीके से काम करने की कोशिश करना, ये है सामान्य कौशल। और विशिष्ट कौशल जिसके लिए, जो किसी खास उद्देश्य के लिए होता है कौशल और जिसके लिए ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है या कोई खास तरह की पढ़ाई करना जरूरी होता है। जैसे कि आपको कंप्यूटर सीखना पड़ता है, आपको कुछ अच्छा करना हो जिस या कोई ऐसी जॉब करनी हो जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता हो, तो आप उससे संबंधित स्पेसिफिक वही कोर्स करते हैं, वही चीज़ सीखते हैं, उसको बोलते हैं विशिष्ट कौशल। कि आपके लिए केवल वो जॉब करने के लिए, वो नौकरी या वो काम करने के लिए आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया स्किल सीखा, उसको बोलते हैं विशिष्ट कौशल। तो सामान्य कौशल जो कि सामान्य होते हैं, जो सामान्य स्किल है, जो लगभग सभी व्यक्तियों में हो सकती है, जैसे कि सही समय पर काम करना, मिलजुल कर काम करना, और किसी खास काम के लिए जो हम सीखते हैं वो होता है विशिष्ट कौशल। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो अब रिटेल में मेन कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से कौशल की जरूरत होती है? पहला है टेकिंग स्टॉक टू स्टोर, स्टॉक को स्टोर में लाना। जो भी रिटेलर के पास जितना भी स्टॉक होता है, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो कर्मचारी हो, वो भी जो कर्मचारी होते हैं हमारे, हमारे इम्प्लॉयज होते हैं, वो भी क्या होते हैं? हमारे लिए एक एसेट यानी कि एक संपत्ति होते हैं। तो अच्छे कर्मचारी और स्टॉक को स्टोर तक लाना। क्रिएटिंग प्लान, योजना बनाना, योजना बनाकर काम करना। अगर हम कोई भी काम बिना योजना बनाए करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सही तरीके से काम करने के लिए, सफलतापूर्वक काम करने के लिए हमें योजना बनाकर चलना पड़ता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए सही वातावरण तैयार करना। हमारे स्टोर में रिटेलर, जो रिटेल स्टोर है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऐसा वातावरण तैयार करना जो कि हमारे विकास में हमारी मदद करे। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिटेल स्टोर में कैसा वातावरण होना चाहिए, कि हमें अपनी गलतियों का एक नोट बनाकर रखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो गलतियां दोबारा से ना हो। अपने और अपनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण तैयार करना जो कि हमें आगे बढ़ने में, हमारे विकास में हमारे लिए सहायक हो। तो इस क्लास में हमने किया स्किल क्या है, कि किसी काम को सही तरीके से, सही प्रकार से करने का तरीका, जिससे कि हम काम को सही समय पर समाप्त कर सके। दो प्रकार की स्किल है, सामान्य स्किल या जनरल स्किल और डोमेन स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कौशल। सामान्य कौशल जो कि सामान्यतः लोगों में होता है, जैसे कि सही तरीके से काम करना, जिसको सीखने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन विशिष्ट कौशल को सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे कि किसी विशेष तरह का कोर्स करना, कंप्यूटर कोर्स करना, कंप्यूटर को सीखने के लिए। और रिटेल में हमें 3 स्किल्स की जरूरत होती है। थैंक यू।